हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कुसुम। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जूस बनाने के लिए हमने चार मौसमी ले लिया है। इसे छील लेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम इस तरह से निकाल देंगे। उसके बाद इस तरह से कट लगाएंगे। अब इस तरह से हमने छील लिया है। अब इसमें ऊपर का ये सारा सफेद वाला पार्ट निकाल देंगे, ये वाला, और इसका बीज भी निकालना है, नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा। इसी तरह से हम सारी मौसम को छील लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने कितने अच्छे से चारों मौसम को छील लिया है। अब इसका हम बीज निकालेंगे। आपने YouTube पर बहुत वीडियो देखा होगा कि लोग जूसर मशीन की तरह मिक्सी में भी खड़ी मौसमी डाल के और बीज सहित जूस बना देते हैं। क्या उस जूस को आप पी सकोगे? नहीं ना, वह जूस बहुत ही कड़वा हो जाता है। तो प्लीज़ आप उस तरह से जूस मत बनाइएगा। मेरे तरीके से बनाएंगे तो बच्चे भी मांग मांग कर पियेंगे। अब इसमें चिल्ड वाटर डालेंगे थोड़ा सा। अगर आप ज़्यादा ठंडा पीना चाहते हैं तो इसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। अब इसको हमने महीन पीस लिया है, इसे छलनी से छान लेंगे। अब इसमें एक चम्मच ब्लैक साल्ट यानी काला नमक और दो चम्मच बूरा डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप
आप देख सकते हो हमने मौसमी का सारा छिलका निकाल दिया है और बीज भी जितना निकला हमने निकाल दिया है। सिर्फ इसके पल्प से हमने बनाया है, जूस बिल्कुल भी कड़वा नहीं हुआ है। आप मौसमी का जूस जब भी बनाएं इसी तरह से बनाएं, बीज और छिलका सहित बिल्कुल ना बनाएं, नहीं तो कड़वा हो जाएगा। और 5 मिनट का टाइम निकाल के, सिर्फ 5 मिनट लगता है इसको छीलने में। छीलने के बाद उसका बीज निकालने के बाद ही जूस निकालें, नहीं तो आप चाहें तो इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर 1 पिंच डाल सकते हैं। जीरा पाउडर ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हो, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और आप इस तरह से जरूर ट्राई कीजिए, 100% मेरी गारंटी है इस तरह से आप जूस बनाएंगे तो जूस बिल्कुल भी कड़वा नहीं होगा। मार्केट से अच्छा जूस घर पर आप मिक्सी में आसानी से बना सकते हो। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि जूस कैसा बना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। किसी न्यू वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।